आज पूरा देश सिर्फ एक कामना कर रहा है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, इस देश के हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एम्स में हैं, क्रिटिकल स्थिति में, उनको क्रिटिकल केयर में रखा गया है, सारे वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे हुए हैं। हम सब भी ईश्वर से कामना करते हैं, पूरे छत्तीसगढ़वासी विशेष रूप से, कि माननीय हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वास्थ्य ठीक हो और वो दीर्घायु हो, इसी प्रकार उनकी उपस्थिति इस देश में और इस देश की राजनीति में बना रहे, वो हम सबके निश्चित रूप से मार्गदर्शक रहे हैं, छत्तीसगढ़ का विशेष प्रेम है। हम सब अपनी कामना करते हैं और ईश्वर से यही आग्रह करते हैं कि वो स्वस्थ हो। अटल जी की यादें अद्भुत है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में जब वो वर्षों से उनका नाता था, आना जाना रहता था, मैं तो युवा मोर्चा में था तब की मुझे याद है, जब कवर्धा में सुबह 6:30-7 बजे उनकी सभा कराई, आरिफ बेग साहब और अटल जी जबलपुर जा रहे थे, रास्ते में उनका विश्राम हुआ और सुबह सुबह उनकी यात्रा के दौरान 7 बजे उनकी एक आम सभा छत्तीसगढ़ में पहली बार युवा मोर्चा के नाते मुझे करना पड़ा। मेरा जीवन का वो पहला अनुभव था इतने बड़े नेता को नज़दीक से देखने का, उनके विशालता को देखने का, जो सामंजस्य, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की ताकत उनके अंदर है, वो अद्भुत है और ये उनकी विशालता है। ये सबको गले लगाते हैं, पक्ष विपक्ष की भावना, जाति पाति की सीमा को तोड़कर वो सबको अपना समझने वाले ऐसे नेता जिसका कोई मुकाबला इस देश और दुनिया में नहीं।